नाइन्थ क्लास के सभी बच्चे गुड मॉर्निंग। तो आइए आज आप लोग के मैथ की क्लास में पहले लाइन्स जिसको समांतर रेखा कहते हैं, तो अभी हम लोग समांतर रेखा पर ही चल रहे थे। चलिए पिछले दिन जो वीडियो भेजे थे वो कॉपी आप निकाल लीजिए, जो आप नोट किए थे, और उसी चीज को लेकर के हम आज आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? देखिए सर बच्चे, आप लोग को बताए थे अगले दिन या पिछले वीडियो में कि जब दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा यानी प्रतिच्छेद करता है, ये बता रहे थे ना कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता हो तब टोटल आठ कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं जी? आठ कोण बनता है। ठीक बोला है? तो आठ कोण में बताओ सर त्रुलर करके अंतर कोण के वो बनता है? चार बनते हैं। बाह्य कोण के वो बनता है? चार बनते हैं। तो चार और चार क्या हो गया? गिनती वाला खाता है जी। आज चार और चार कितना हो गया? आठ हो गया जी। सही बात है। अब बताइए सब लड़के आप लोग कि तो आप लोग के आठ कोण में हम एकांतर कोणों का युग्म के रूप बताए थे। बोलिए एकांतर कोणों का युग्म कितने बताए थे? चार बताए थे। बात सही है। और संगत कोणों का युग्म के रूप बताए थे जुड़ा हुआ था? चारे जुड़ा हुआ था। तो हमने यही बात बता रहे थे, फिर से सुनिएगा सब लड़के मैथ पढ़ाने के पहले कि जब दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो पहला बात याद करना है कि एकांतर कोणों का युग्म समान होता है। पहला बात नोट करिए। दूसरा बात लिखा है कि संगत कोणों का युग्म समान होते हैं, ये भी चली मिल गया आपको। और तीसरा बात याद करना कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करता है तब तिर्यक रेखा के एक ही ओर माने बाईं ओर या दाईं ओर, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर कटा के दो अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है ये? 180 डिग्री। तब तिर्यक रेखा जो आपने खींचा ए अंतर कोण तो बताया कि यही अंतर कोण था ना चार को, तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर माने दाईं ओर का दोनों दाईं ओर लीजिए, आप बाईं ओर लेना है तो बाईं ओर लीजिए। अब यहाँ पर दाईं ओर देखिए कोण है चार, यहाँ पर देखिए कोण पांच है, माने कह सकते हो कि कोण चार जो हो गया और कोण पांच दोनों के अगर जोड़ोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। मतलब कोण चार को अगर लिखना चाहोगे तब बी जी एच लिखोगे। क्या लिखोगे जी? तब बी जी एच लिख दिया, देखिए जी हो गया। और पांच का पांच का तो लग है तो लिखे डी एच जी या जी एच डी, दोनों में कोई लिखिए तब जी एच डी कर दोनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम चार और पांच बताओ दाईं ओर था, आप बाईं ओर लेके चल लो, तो तीन और छह बताओ बाईं ओर है, इसलिए आप कहेगा कि कोण तीन हो जाएगा और कोण संख्या छह होगा, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण तीन को लिखने की बात कर रहे हैं, लिखे कैसे? तो ए जी एच क्या लिखे आप बोलो? तो हो गया ए जी एच हो गया, आप कोण छह तो ए हो गया, तो जी एच सी या सी एच जी को लिख सकते हैं आप, तो जी और एच सी ए मिला के हो गया 180। बस मैंने सब कर दिया। तो इस तरह से तीन बात याद करेगा और ये तीनों बात अगर याद रखा है तो मैथ बनाने में कोई ज्यादा हम लोग को भार नहीं पड़ता है। बस मैंने आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिएगा। अब उसके बाद एसी पर देखिए, मान लेते हैं कि हम प्रॉब्लम दे रहे हैं और आप लोग बनाइएगा उस पर।
अब क्वेश्चन में कह दे कि देखिए बगल के चित्र, ठीक है, कहता है कि बगल के यानी चित्र में शेष सभी कोनों, शेष सभी कोनों कोनों को ज्ञात करें, ठीक है। अब मानते हैं कि चलिए एक फिगर ऐसे आपको चैप्टर दो सा फिगर दिया है, अब मानते हैं कि चला जाए आपका यही एक रेखा ले लिया और दूसरा चले रेखा आपको ए ले लिया और यहां से देखिए चलिए तिर्यक रेखा ए ले लिया, ठीक है, समझिएगा। अब मानते हैं कि चलो ए डी, दूसरा यहां से कर दिया कि चलिए सी डी हो गया, यहां से मानते हैं चलिए ई एफ कर दिया और यहां से दे दिया जी और यहां दे दिया एच। अब तुमसे क्वेश्चन कह के चलो ई कोण मानते हैं कि 60 डिग्री है, टोटल देव कोण था 8 कोण और 8 कोण में चलिए आपको दे दिया मानते हैं कि यहां पर एक कोण दे दिया और एक कोण दे करके बाकी जो कोण बच गया वो सभी कोणों को कह बताए कितना कितना ले लिखा होगा, ठीक है। और एक को बताओ टोटल क्यों कोण था 8 कोण, 8 कोण में क्यों कोण दिया एक कोण, खाली देखिए एक कोण दे दिया, बाकी बताओ एक कोण है यहाँ एक कोण तीन को बच गया, यहाँ देखिए इस तरह से 4 कोण यहाँ बच गया तो 4 3 7। अब आपको कह जल्दी जल्दी चलो बताओ ये कि इस सब कोण का मान कितना कितना होगा, तो फर्स्ट से ऊपर में जो बात बताया उसको दिमाग में लाना है। पहला देखिए आपने जवाब दीजिएगा कि ये जो कोण हो गया ये कोण और ये जो कोण हो गया ये कोण, बताओ संगत कोण हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, यहां से क्या कहोगे डी एच जी, पहला बोलोगे कि डी एच जी जो हो गया वो बताओ 60 डिग्री ना हो गया, काहे हो गया तो देखिए संगत कोण था नहीं, तो संगत कोण के नाम से बता दिए यहाँ पर ई कोण है तो फर्स्ट साइड में कोई है ई कोण तो ई दोनों तो संगत कोण हो गया, है क्या ये। अब देखेंगे आप लोग के और क्या बताए थे कि ई कोण है से और यहाँ पर बताओ ई कोण है से एकांतर वाई कोण है क्या ये बोलो, याद नहीं कंप्यूटर सामने कर लीजिए पेपर मतलब कि सी एच एफ, यहाँ से आप कहिएगा कि सी एच एफ जो होगा ये भी बताओ क्या हो गया 60 डिग्री, कोई पूछे काहे हो गया तो यहाँ पर बताओगे कि बाह्य एकांतर कोण है, कौन कौन है बाह्य एकांतर कोण हो गया, तो ये मालूम हो गया यहाँ पर, ये मालूम हो गया। आप क्या मालूम हो गया सोचिएगा आप सब लड़के, ये कोण जो हो गया बताओ ये तुम्हारा 60 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का तो ये भी तो तुम्हारा 60 डिग्री का हो जाएगा, काय हो जाएगा एकांतर कोण नहीं, एकर मतलब कि ए जी एच यहां से आप कहिएगा कि कोण हो गया देखे ए जी एच हो गया तो ए बताओ ए भी क्या हो गया 60 डिग्री, यहां कह सकता कि कोण है कोण क्या है सीसा भी कोण है आमने सामने कोण है ना, पहला तो यह बोले हैं तो ये आमने सामने का कोण है तो यहां पर कह सकता हूं कि सीसा भी कोण भी लिख सकते हो कि शीर्षा विमुख कोण के नाते दोनों जो है ए बराबर हो गया, बात समझ में है। और देखिए क्या कहोगे अब बोला सर लड़के तो ए कोण हो गया बताओ कि आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, तो एकर मतलब कि रस सोचो अभी तीसरा जो बात बताए कोण तो उस पर जाए बात करो, तीसरा में क्या बताया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर दो अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एकर मतलब कि ये जो कोण है जैसे देखो 3 और 6 तो यहाँ ए कोण और ई कोण ये दोनों मिला के बताओ 180 हो जाएगा, है कि नहीं, 180 होते ही कितना मिलेगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे कहोगे कि ए दे दिया तुम्हारा 60 डिग्री, अब प्लस ये तो मालूम नहीं है तो सी एच जी तो कहोगे कोण क्या थी कि सी एच जी ये दोनों मिला के कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक है, तो 180 अभी प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस तो कहो
120 डिग्री हो गया। अब इसी प्रकार से बताओ कि ए कोण जो हो गया अगर 120 डिग्री हो गया तो इसके संगत जो ई वाला होगा यानी तो 120 हो गया हुआ कि नहीं। तब पांचवा कोण लोग कहोगे कि ए जी ई देखिए तो ए जी ई जो हो गया ए बताओ ए 120 हो गया तो ये कितना 120 हो गया। आपको कहे काय हो गया तो इसको बोल दिया कि संगत कोण दोनों है ठीक है ना। अब बोला सर लड़के तो ए कोण बताओ 120 हो गया ए भी कोण कितना 120 हो गया। एकर मतलब कि ए वाला और ए जो कोण हो जाएगा ए तो दोनों बराबर हो जाएगा या ए बताओ के हो गया 120 डिग्री तेकर सामने ये भी 120 डिग्री बोल के होगा तो कौन यानी डी एच के यहां से कहीं ना छठा हो जाएगा ये डी एच एफ तो ए भी कितना कहेगा 120 डिग्री। ए और ये आमने सामने ना है तो ए कहोगे कि ये हो गया तुम्हारा कौन सी यानी शीर्षाभिमुख कोण कहेगा। शीर्षाभिमुख बोल सकते हो या बाह्य कांतर कोण भी कह सकते हैं। चलिए ये मान हो गया और ये 120 डिग्री हो गया तो तब ए भी तो सामने 120 हो जाएगा ना। तेकर मतलब हो गया कि बी जी एच नहीं यहाँ पर कहेगा कि बी जी एच जो हो गया बोला कौन कौन हो गया बी जी एच की वाला हो गया नहीं ए भी कितना हो गया 120 भी हो गया काय हो गया शीर्षाभिमुख कौन हो गया समझे। तो इस तरह के अगर इतनी सारी बातें दिमाग में रखते हैं तो आपका चैप्टर का बहुत सारा मैथ जो है हमने बनाएंगे और बहुत दिन खाली समझ लेने चाहिए कोई ज्यादा फालतू की नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समय समय लोगे अपने से फटाफट बनाने लगोगे ठीक है। इतना समझ गए तो ठीक है अगले दिन मिलेंगे फिर हम लोग। तो अभी फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू धन्यवाद।